यूक्रेन च हस्पताल दे मिलिट्री वार्ड उत्ते रिकॉर्ड हमला नवजमे बच्चे दी होई मौत। दक्षिणी यूक्रेन दे हस्पताल दे मिलिट्री वार्ड ते रिकॉर्ड दे नाल हमला होया, एक नवजमे बच्चे दी मौत भी होई। यूक्रेनी अधिकारियों ने बुधवार नूं यह जानकारी दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि मलबे दे विचों मां अते एक डॉक्टर नूं कढ़िया गया। खत्तर दे गवर्नर ने रिकॉर्ड रूसी हन। यह हमला एक शहर दे विच होया जिथे एक हस्पताल मिलिट्री दे नाल संबंधित सी। खेतरी गवर्नर ने टैलीकॉम अते टैलीग्राम दे राही दस्या है कि रूसी राक्षसां ने रात नूं इस हस्पताल दे उत्ते मिलिट्री वार्ड दे उत्ते कई रिकॉर्ड दागे। इस हमले दे विच एक बच्चे दी मौत भी हो गई जो अजे पैदा नहीं होया सी। बचाव कर्मियां उत्ते काम करदे रहे। उन्होंने कई तस्वीरां सांझियां कीतियां जिन्हां दे विच मलबे दे विचों धुआं निकलदा होया दिखाई दे रहा है। शुरू दे विच स्टेज एमरजेंसी सेवा ने कहा है कि रूसी हमले दे विच एक बच्चे दी मौत हो गई। मलबे दे विच मां अते डॉक्टर नूं कढ़िया गया। उस समय वार्ड दे विच एक ही लोग मौजूद सन। इस उपरांत दस्या जा रहा है कि एक होर पोस्ट दे विच स्पष्ट किया गया बचाव की गई औरत पीड़ित नवजमे बच्चे की माँ सी। अधिकारियों ने दस्या है कि इस हमले दे विच दो मंजिला इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन दे राजधानी कीव तो करीब 500 किलोमीटर की दूरी उत्ते स्थित इस हॉस्पिटल नूं तहस महस कर दिता गया है। गल करांगे अगली खबर बारी। चीनी आईफोन फैक्टरी दे विच प्रदर्शनकारी कर्मियों ने की गई कुटमार। चीन दे विच दुनिया की सब तो वड्डी एप्पल आईफोन फैक्टरी दे कामियां नूं कोरोना वायरस पाबंदियों दे विचकार इकरारनामे दे विवाद नूं लैके कुटिया गया, हिरासत दे विच रख्या गया। बुधवार नूं सोशल मीडिया ते पोस्ट कीतियां गईयां कुछ वीडियोज़ यह दिखाई दे रहा है कि चश्मदीद गवाहां ने यह जानकारी दी है कि चीनी सोशल मीडिया ते उपलब्ध फैक्टरी दे वीडियोज़ ते हज़ारां नाकाम पोश प्रदर्शनकारियों नूं चिट्टी सुरक्षा सूट पहनाए पुलिस कर्मियों का सामना करते हुए देखा जा रहा है। एक व्यक्ति के सिर पर डंडा मारिया गया, दूजे नूं पिठ पिछे हाथ बन के लिजाया जा रहा है। सोशल मीडिया से पोस्ट किया कि कहा गया कि यह लोग इकरारनामे की उलंघना का विद्रोह कर रहे हैं। चीन च कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण दुकाना ते दफ्तर लंबे समय तक बंद रहे। लखां लोगों नू कई हफ्तों तक घरां दे विच बंद रहना पिया। इन्हां पाबंदियों तो परेशान होकर लोगों ने कुछ इलाकों च प्रदर्शन भी किया। पिछले महीने हज़ारां कामे कोरोना वायरस के विरुद्ध नाकाफी सुरक्षा दीयां शिकायतां ते बीमार पे सह कर्मचारियों के लिए कोई सहायता ना होण दीयां शिकायतां नू लैके तैनात आधारित फोकस सैक्शन टैक्नोलॉजी ग्रुप कंपनी दी द्वारा संचालित एक कंपनी अते फैक्टरी तो बाहर चले गए सन। फैक्टरी वर्कर ली ने दस्या है कि उन्होंने उच्च मजदूरी की पेशकश कारण नौकरी ते आए नवे कामियों के लिए शर्तां बदलने तो बाद मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। गल करांगे अगली खबर बारी। इंडोनेशिया च भूचाल दे मलबे दे विचों दो दिन मगरों जिंदा निकलिया बच्चा। इंडोनेशिया दे विच पछमी जावा सूबे दे विच शियानजुर दे विच सोमवार नूं आए 5.6 तकरीबन भूचाल दे विच मरन वालों की गिनती लगातार वधदी जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस तबाही दे विच हुण तक 271 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आफत एजेंसी ने दस्या है कि भूचाल तो बाद 151 लोग लापता हैं जबकि 1083 जख्मी हैं। अधिकारियों ने दस्या है कि 300 तो वध लोग गंभीर रूप दे नाल जख्मी हुए हैं। पर इस सब दे विचकार एक चंगी खबर सामने आई है। बुधवार देर शाम एक 6 साल के बच्चे मलबे के जिंदा बाहर कढ़िया गया। फिलहाल बच्चा हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया, उसका इलाज किया जा रहा है। बच्चा करीब 2 दिन तो बाद मलबे दे विचों जिंदा बाहर कढ़िया गया। बच्चे नूं जिंदा देख के हर कोई हैरान हुंदा होया नज़र आ रहा है। इन्ना समा बिना खाधे पीते किवें जिंदा रहा, इंडोनेशिया की नैशनल एजेंसी के मैनेजमेंट डायरैक्टर के वल्लों भी इस बच्चे के बचाव के कर्मियों के उत्ते गलबात की गई और कहा गया कि नागरिक पिंड के बच्चे अजोका माहौल और मौलिक नूं बचाया गया है जिसके पल दिखाया जा रहा है। जदों एक बचाव टीम ने उसनू लभ लिया। एजेंसी ने कहा है कि मुंडा अपनी दादी दी लाश दे कोल मिलिया। स्थानिक मीडिया ने दस्या है कि अजका हुण एक सुआनजूर हस्पताल दे विच इलाज दे अधीन उत्थे एडमिट कराया गया। एजेंसी ने अगे दस्या है कि बचाव कर्मचारियों ने पहला उसके माता पिता दीयां लाशां नू बरामद किया सी। गल करांगे अगली खबर बारे।